आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का, तो शुरू करते हैं टॉप 10 खबरों का सिलसिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11 जिलों के हालात का जायजा लिया। हिजबुल्ला ने लेबनान से इसराइल पर दागे कई रॉकेट, बंकरों की ओर भागे लोग। जमैका के पीएम एंड्रियो होलनेस ने 4 दिन की आधिकारिक यात्रा के तहत आज भारत यात्रा पर आएंगे। मायावती आज हरियाणा के करनाल जिले में करेंगे चुनावी रैली। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप बोले, कमला हैरिस पर प्रवासी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मानहानि मामले में आतिशी केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पंजाब में वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल से 7 करोड़ की ठगी करने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 170 लोगों की हुई मौत। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उदयपुर में पिछले 11 दिनों में पैंथर के हमले से 7 लोगों की हुई मौत। टॉप 10 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।